जय श्री राम, जय मां मुंडो मालिनी। मैं योगी श्री प्रकाश नाथ तंत्र गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा मेरे व्यूअर्स आप लोग, आज आप लोग मेरा टाइटल जो देख लिया, थंबनेल देख लिया, कुछ अलग टाइप का है। तीन चार प्रकार का टॉपिक मैं आज अपने इस वीडियो में आप लोगों से चर्चा करूँगा। तो आप लोग पहले मेरा ये टाइटल है, ये टाइटल देखकर थोड़ा आश्चर्य हो चुके हैं। जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरे साथ बातचीत किए हैं, शायद उन लोगों को बहुत आश्चर्य रहेगा। गुरु जी ने ये बोला 101% वशीकरण होगा। ये जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे साथ बातचीत कभी किया है, ठीक है, तो आश्चर्य होने का कोई जरूरत नहीं है। इसका व्याख्या या इसके ऊपर मैं थोड़ा विश्लेषण करूंगा अपने इस वीडियो में आगे चलकर। आप लोगों को ये टॉपिक छेड़ने का मूल जो कारण है, थोड़ी देर में आप लोगों को पता लग जाएगा। थोड़ा धैर्य रखिए और वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो आप लोगों के मन में जो प्रश्न आता है, बार बार मेरे से एक ही प्रश्न रिपीट किया जाता है, उस सारे प्रश्न का उत्तर मैं आज के इस वीडियो में, वशीकरण, परिसाधना, यक्षिणी साधना, ठीक है, एक दिन का साधना, 2 दिन का साधना, ये सारे साधना का संपूर्ण विवरण मैं आज अपने इस वीडियो में आप लोगों को दे दूंगा। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और वीडियो के नीचे रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। वीडियो के नीचे देखिए एक एरो, ऐसा एरो है, उस एरो को क्लिक करने के बाद ही पूरा एक पेज ओपन हो जाएगा, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। उस बॉक्स में वीडियो के संबंधित जो मैं चीज़ वीडियो में बोल रहा हूँ वो भी रहेगा, जो नहीं बोला हो वो भी रहेगा। थोड़ा दबाइए और नीचे आ जाइए, ठीक है। देखिए पूरा लिखा, वहाँ पे फेसबुक का लिंक है, वहाँ पे मेरा जीमेल का लिंक है, वहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर है। बहुत लोगों को फ़ोन नंबर नहीं मिल रहा है, मैं बार बार आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ। मेरा यही बोलना है आप लोगों से, मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को दबाइए, वीडियो के नीचे रहेगा, उसको दबाने से ओपन हो जाएगा, सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा, मंत्र भी वहाँ पर रहेगा और फेसबुक का लिंक भी वहाँ पर रहेगा। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो मित्रों, मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन का जरूर प्रेस करें। अगर बेल आइकन को आप प्रेस नहीं करते हैं तो कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, वो वीडियो का एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज के द्वारा आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है, तंत्र गुरु ने आज एक वीडियो अपलोड किया है, आपका एक पॉपअप मैसेज आ जाता है आपके स्क्रीन के ऊपर, उसको दबाने से ही सीधा यूट्यूब पे लेके आप लोग को आ जाएगा। अगर घंटे को नहीं दबाएंगे आप लोग तो वो मैसेज आपके पास नहीं पहुंचेगा। इसका ही मतलब है, नोटिफिकेशन को ऑल किया जाता है, इसलिए घंटे को दबाइए, ऊपर में लिखा हुआ आएगा ऑल, ऑल को दबाइए और आपका काम समाप्त हो जाएगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, लाइक करने से मुझे पता लगता है आप लोग वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए परिश्रम करता हूँ, ठीक है, इसके लिए लाइक तो आप लोग को करना जरूरी होता है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो ठीक है। इससे पहले मैं एक वीडियो दिया था सुंदर गाय से, गाय का एक प्रयोग जो गाय माता को रोटी खिलाने, उसमें भी देखा कोई लोग आकर अनलाइक किया है, तो मुझे समझ भी नहीं आया। बिना खर्चे का प्रयोग बोला गुरु जी, ये सरल प्रयोग लाओ, तो सरल प्रयोग लाया। साधारण प्रयोग, सर्वसाधारण के लिए प्रयोग लाया, जो सर्वसाधारण कर सकता है, स्त्री कर सकता है, पुरुष कर सकता है, कोई भी घर में रहकर कर सकता है, घर में, घर से बाहर निकल के कर सकता है, उसके बाद भी वो प्रयोग में अनलाइक, इसका कारण क्या है मुझे पता नहीं है, ठीक है, छोड़िए ये सब बातों को। तो आज मैं जो आप लोगों को बोला वशीकरण का, जो मैं आप लोगों को बोला वशीकरण का 101%, तो 101% आप लोगों को क्यों बोला, तो देखिए ये जो मैं टॉपिक चूज करता हूँ, ये टॉपिक आप लोगों के द्वारा ही मुझे ये मिलता है, इसका नॉलेज जो है आप लोगों के द्वारा ही मिलता है। फोन आता है, SMS आता है, मेल आता है, ये सब के द्वारा ही मुझे ये सब टॉपिक अपने दिमाग में सूझता है। तो 101% बहुत कुछ लोग आता है, गुरु जी आपका प्रयोग मैं कर रहा हूं, ठीक है, कितना परसेंट गारंटी होगा गुरु जी? 101% होगा, कितना परसेंट गारंटी? आप सोचिए, फ्री में प्रयोग बता रहा हूं, उसके बाद भी अगर कोई आकर पूछता है गुरु जी इसमें कितना परसेंट गारंटी होगा, होगा या नहीं, ये भी मुझे बताना है, होगा या नहीं होगा, ठीक है, ये गया एक नंबर पॉइंट। दूसरे कोई व्यक्ति अगर पूछता है गुरु जी मैं तो ये प्रयोग को कितना बार करूं, कितना बार में ये प्रयोग सिद्ध हो जाएगा गुरु जी? 5 बार में होगा, 1 बार में होगा, एक ही बार करने से नहीं होता है। वो बाबा बोलता है 24 घंटे में हो जाता है, आप बोलते हैं नहीं करते जाओ करते जाओ, ये कैसा बात है? ये भी एक टॉपिक है, इसका उत्तर क्या है मेरे पास उत्तर नहीं रहता है, ठीक है, ये गया एक। तो उसके बाद कोई आकर बोलता है गुरु जी आप ही वशीकरण, इतना मेहनत हम लोग नहीं कर पाएंगे। गुरु जी बोलता है मुझे गुरु ये इतना मेहनत हम लोग से नहीं होगा, आप ही कर दीजिए। मैं जब बोलता इतना पैसा लगेगा, अरे आप तो बोलते यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है, अभी आप पैसा मांग रहे। अभी आप बोलिए मैं कौन सा समय बोला है यूट्यूब पर आकर, जब मैं करूंगा फ्री में करूंगा,
या मेरा चेला करेगा फ्री में करेगा, कोई कभी भी नहीं बोला। मैं सीधा बोलता हूँ सर्वसाधारण के लिए, एकदम दिलो दिमाग साफ करके सुन लीजिए, YouTube पर जो भी प्रयोग है, जो भी फॉर्मूला मैं बताता हूँ, संपूर्ण फ्री ऑफ कॉस्ट, संपूर्ण बिना मूल्य। বাংলা মে একবার বলতে হো, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ইউটিউবে আমার সকল পদ্ধতি, ইউটিউব কে বাহার আকার কই আগর মুঝসে ইয়া মেরে চেলে সে কাম করনে কা ইচ্ছা রাখতা হ্যায় তো উসকে লিয়ে চার্জ ইয়া দক্ষিণা দেনা পড়েগা। সিধা বাত হ্যায়, সমঝ গে বাত আপ লোগ। ইসকে বাদ ভি আগর মে ইয়ে বতা দেতা হু, ঠিক হ্যায়, ইসকে বাদ ভি আকর लोग बोलते हैं आप तो यूट्यूब पे ये बोले थे ये बोले थे। मैं फ्री में बता रहा हूँ, वो प्रयोग फ्री में करने का भी इच्छा नहीं है बहुत लोगों का, उपरंतु यानी वो लोग परंतु आशा करता है सामने वाला कोई व्यक्ति उन लोग को फ्री में काम कर दे और उन लोग को काम होने के बाद वो दक्षिणा देगा, ये ऐसा बोलता है। आप पहले आप ऐसा ऐसा एक उसको बांग्ला में बोलते हैं माने बहुत ज्यादा होशियार, हिंदी में शायद बोलेगा देर सियाना बोलेगा उन लोगों को। तो वो लोग क्या करता है, वो लोग कमेंट करता है, नहीं आप अगर इतना शक्तिशाली है तो आप करके दिखाइए, आपको अगर इतना शक्ति आता है तो करके दिखाइए, मैं मान लूंगा आपको जितना चाहिए आपको दे दूंगा। अभी एक और SMS आया था मेरे पास, गुरु जी मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत गरीब, बहुत परेशान हूँ, बहुत गरीब हूँ मैं, ठीक है, मुझे मेरे पास एकदम पैसा नहीं है, आप मेरा ये काम कर दे तो मैं आपको माला माल कर दूंगा। मैं तो मैंने उसका SMS पढ़ने के बाद मुझे तो कोई हंसी रोक नहीं पाया। अभी वो बहुत गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, सोचिए बात को, बहुत गरीब, पॉइंट को आप लोग दिमाग में सोचिए, आप वो गरीब है, वो बहुत परेशान इंसान है, उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, लेकिन वो मुझे मालामाल कर देगा। अद्भुत टॉपिक है, अद्भुत मतलब किस्म के पब्लिक आता है, ठीक है, ऐसा ऐसा पब्लिक आता है जो बोलता है गुरु जी मुझे ऐसा सिद्धि चाहिए जो सिद्धि से मैं आसमान में उड़ना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आसमान, अरे वो बोल रहा है आसमान उड़ने के लिए घर बैठे आसमान में उड़ सकते, तुम लोग जाओ उड़ो आसमान में घर बैठे उड़ सकते। अरे अगर फ्लाइट में यात्रा भी करना है तो भी अपने घर से 2-4 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 1 घंटा का दूरी पे जाकर फ्लाइट में चढ़ना पड़ता है तब आसमान में उड़ सकता है, ये बोला है घर बैठे आसमान में उड़ना है। तो ये सब पब्लिक को मैंने बोलने के लिए मेरे पास कुछ शब्द नहीं रहता है। तो ऐसा सब पब्लिक के साथ भी SMS के द्वारा बातचीत होता है, सुनने के लिए मिलते हैं, इन लोग का जो एक्सपीरियंस है, जो इतना सालों का जो संचय किया है वो सब भी सुनने के लिए मिलता है। तो ये जो मूल टॉपिक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 101% गारंटी मेरे व्यूअर्स, 101% गारंटी के चक्कर में आप लोग कभी ना पड़े। मैं जो व्यक्ति मुझे जानता है, जो भी मेरे साथ बात किया है, यूट्यूब पे जो भी बोलता हूँ, फोन पे भी वही बोलता हूँ, मैं कभी किसी को 101% गारंटी नहीं देता हूँ। ना कभी किसी को बोला हूँ 1 घंटे में वशीकरण हो जाएगा, 2 घंटे में वशीकरण हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, कोई आकर ये बोल नहीं पाएगा जी गुरुजी ने ऐसा बोला है, ठीक है। अगर आप लोग को फ्री में वशीकरण करना है, बिल्कुल बिना खर्चे का चाहिए कोई प्रयोग, तो मेरे चैनल पर देखिए या और भी कोई चैनल आप लोग देखकर अप्लाई कर सकते हैं। जब किसी से काम आप लोग करवाएंगे तो 100% आपको उसको दक्षिणा देना पड़ेगा। फ्री में आपके लिए कोई भी काम नहीं करेगा, ना आप किसी के लिए फ्री में काम करेंगे कभी। सोचिए बात, इंसान को बोलने से पहले सोचना चाहिए जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, किसको बोल रहा हूँ, किस कारण से बोल रहा हूँ, ये सोचना चाहिए। तो ये गया एक पॉइंट। उसके बाद 101% जो गारंटी देता है सामने वाला, मान लीजिए मैं आपको 101% गारंटी दे दिया, 101% आपको मिल गया गारंटी, आप सोच लिए हाँ बाबा ने 101% गारंटी दे दी, 3 दिन के तो बाबा फोन नहीं उठाएगा, आपको क्या करेंगे 3 दिन के बाद, तो मैं फोन नहीं उठा, आपसे तो ले लिया पैसा, एक रुपया लिया या 1 लाख रुपया ले लिया, कुछ भी लिया आपसे, 3 दिन बाद मेरा फोन बंद हो जाएगा। बहुत बार होता है, बहुत मेरे सारे मित्र अगर बोलते हैं गुरु जी आप जो बोले एकदम बिल्कुल सही है, मेरे साथ ऐसा घटना हो गया है। तो इसी कारणवश मैं ब्राह्मण हूँ जाति से, मेरा पूजा पाठ के द्वारा ही मेरा जीविका चलता है, रोजगार चलता है। मैं उसके साथ साथ एक तांत्रिक भी हूँ, इसके साथ साथ एक अघोरी भी हूँ। अघोरी शब्द बोला था गुरु जी आप अघोरी है, अघोरी क्योंकि मैं ढोल पीटा थे बोलो है मैं अघोरी हूँ। क्या अघोरी, अघोरी का मैंने डिस्क्रिप्शन क्या रहता है, अघोरी को पहचानने क्या, काला कपड़ा विभूति विभूति होकर या नंगा होकर रास्ते में घूमे जा घुमाएगा वो अघोरी होता है, ठीक है। अघोर शब्द का अर्थ पहले थोड़ा इसलिए मैं बोलता हूँ, थोड़ा पढ़ाई करना चाहिए, अघोर शब्द का अर्थ क्या है, अघोर सामने जो व्यक्ति लगाएगा उसको बहुत सोच समझ के लगाना चाहिए, अघोर शब्द का अर्थ क्या है, अघोर लगाने का मने मर्यादा है, जो एक मर्यादा है वो भगवान शंकर के नाम के आगे ही शोभा मिलता है, भगवान शंकर के नाम के आगे शोभा मिलता है। साधारण व्यक्ति अगर अघोर लगाने का, अघोर का अर्थ बहुत ऊपर दर्जे का एक शब्द है, अघोर किस दिन अघोर का ऊपर मैं एक
एक चर्चा करूंगा। तांत्रिक एक अलग बात है, लेकिन अघोर अगर कोई व्यक्ति बोलता है मैं अघोर ही हूं, मैं सब काम करने के सक्षम हूं और मैं एक घंटा में वशीकरण करके दूंगा 101%, 101% वाला व्यक्ति 3 दिन के बाद फोन बंद कर देगा और आपको घुमाने लग जाएगा, या फोन खुला रहेगा तो आपको वो पकड़ेगा नहीं। जब भी आपका आवाज सुनेगा, जो जो व्यक्ति मेरा बात सुन रहा है, शायद इसमें से बहुत सारे लोग को ऐसा घटना का सम्मुखीन जीवन में एक ना एक बार आप लोग हुए हैं। अगर वह है तो कमेंट में जरूर बताइए, आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि दूसरे लोग मेरा बात के ऊपर तब विश्वास करेगा, जहां ये जो गुरु जी बोल रहे हैं सही बात। 101% गारंटी देने वाला व्यक्ति क्या भगवान है? पहला प्रश्न मेरा एक ये है, 101% गारंटी जो दे रहा है वो भगवान है? वो जानता है उसका मृत्यु कब है? वो कैसे जानता है 10 दिन के बाद या 3 दिन के बाद आपका मनोकामना पूर्ण जरूर होगा? उसका थर्ड आई है। मैं बहुत लोग बोलते हैं गुरु जी फोटो में भेज रहा हूं, मैं जब कोई जन्म कुंडली के बारे में सब लोग को बोलते हैं जन्म कुंडली विचार कीजिए, आप लोग जन्म कुंडली विचार करने से आपको पता लग जाएगा जी हाँ इसके साथ इसका आपका कनेक्शन कैसा होगा, लड़का कैसा है, लड़की कैसा है, आपका वर्तमान ग्रह परिस्थिति कैसा है, उसके हिसाब से आप लोग को एक प्रयोग आप लोग को मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये गया एक पॉइंट। नहीं गुरु जी फोटो देख कर तो बहुत लोग बोल देते, मेरे पास थर्ड आई तो नहीं है, तीसरा आंख मेरे पास नहीं है, मैं कैसे बताऊं? नहीं वो तो बाबा बोलता है, वो बाबा के पास जाओ फोटो देख कर। कोई कोई ऐसा बाबा भी है जो नाम सुन के बोलता, बहुत आध्यात्मिक शक्ति कुल कुंडलिनी जो है ना वो पूरा जागृत हो गया है, एकदम सहसार से एकदम पूरा शहद एकदम मैंने सुधा एकदम पूरा गिर टपकते हुए जा रहा है बाबाओं के आंख एकदम मैंने क्या बना तीसरा चौथा सहस्त्र, इधर पे सहस्त्र धारा है और इधर पे सहस्त्र आंख है, आई 1 करोड़ आई है। इसलिए एक नाम सुनने के बाद कोई कोई ऐसा पिछले वीडियो में कोई कोई ऐसा भी बाबा है जो बंगाल में रहता है या उड़ीसा में रहता है, वो छत्तीसगढ़ में कौन सा घर में किसका कहानी क्या चल रहा है बाबा बैठे बैठे बोल सकते, उसका पत्नी ये कर रहा है, उसका पति ये कर रहा है, उसका पत्नी वो है, उसका पत्नी अच्छा है, उसका पति खराब है, ये सब वो बैठे बैठे बोल सकते हैं। ये सब पाखंडी के चक्कर में आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़िए, मुझे ये सब लोगों का कहानी मत सुनाइए मत बताइए, सब का कहानी मुझे पता है। ये व्यक्ति मैदान में जब आएगा सामने एक अक्षर भी बोल नहीं पाएगा, सामने एक अक्षर भी बोल नहीं पाएगा। मेरे साथ पूजा में ठीक है, मेरा एक मित्र है व्यूअर्स है, बहुत दिन से मेरे साथ परिचय है, उसका नाम है आशीष। ठीक है, वो मेरा वीडियो देख रहा है, ठीक है, हर वीडियो को फॉलो करता हूँ, देखता है मैं, वो मेरे साथ तारापीठ में गया था, उड़ीसा में रहता है, वो तारापीठ मेरे साथ गया था, वो मैं कैसे अनुष्ठान किया हूँ, मेरे सामने कौन बैठा था, कितना घंटा मैं पूजा किया हूँ उसको पता है, और कितना किताब मैं खोल के सामने रखा था ये उसको पता है, वो देख रहा है, वो कमेंट भी जरूर करेगा, वो हर कमेंट में कमेंट हर वीडियो में कमेंट भी करता है, वो सामने देखा है। जो मैं करता हूँ वो अपना ढोल नहीं पिट बजाता हूँ, मुझे ये आता है मैं 1 घंटा में करके दूंगा, कोई भगवान है 1 घंटा में आपको करके देगा? 101% का गारंटी का यही मतलब है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जब अपने आप के लिए कोशिश करेंगे आप भी बता सकते हैं 100% ये सफलता आपको मिलेगा। सोचिए बात को, आप तो कोई प्रयोग कर रहे हैं, कोई एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं आज, या कभी जीवन में गए थे, आपको 100% पता था, पूरा तो पूरा पेपर को आप ओके किए, उसके बाद क्या आपको पता था है बट उस समय पता था कि आपको एकदम 100 में से 100 मिलेगा? या ऐसा कोई व्यक्ति होता है जिसको मेरे क्लास में 50 स्टूडेंट है तो 50ों को पूरा 100% घर में आकर सब बच्चा बोलता है माँ बहुत अच्छा परीक्षा दिया मुझे बहुत अच्छा नंबर मिला, कितना मिलेगा 70 मिलेगा, बच्चा को मिला 50 या 60 या 65 या 70 से ऊपर मिला, एग्जैक्ट नंबर किसी को जो प्रेडिक्शन करता है एग्जैक्ट नंबर किसी को मिलता है तो वो व्यक्ति कैसे बोल सकता है 101% गारंटी है? सोचिए बात को, 2021 है इसके विषय में सोचिए, कोई भी व्यक्ति जो व्यक्ति आपको बोलेगा 101% 1 घंटा में, ये कोई मैजिक नहीं है, तंत्र शास्त्र एक विज्ञान है, मंत्रों काम करता है एक विशेष मेथड के ऊपर, एक सब्जेक्ट है मंत्रो, एक विज्ञान है तंत्रो, इसके ऊपर काम होता है, ये कोई काला जादू फादू जो सब ढकोसला है ना, ये सब कहानी है, ये सब सुनने में अच्छा लगता है। तंत्रो षट कर्म 6 कर्म के ऊपर आधारित एक विद्या है, 6 कर्म उसमें है, ये सब उसके बाद आजू बाजू जो है लौंग इलायची नमक फूल पत्ता गोभी ये सब आजू बाजू सब का भागता हुआ, मैं तो भर बीजू में बोलता हूँ भागते हुए आएगा, तड़पते हुए आएगा, फड़कते हुए आएगा, ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है, वास्तविक चीज आप लोग जब करेंगे तब आप लोग को जाना यार गुरुजी तो बोला था ये सही बात है। 101% मैं किसी को नहीं दे सकता, क्या मैं भगवान नहीं हूँ? जो व्यक्ति आप लोगों को 101% देता है आप लोग जाइए उनके पास जाकर काम कराइए, उसके बाद वापस एक हफ्ता या 5 दिन 10 दिन के बाद आप आइए, उसके बाद मुझे बताइए जो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या आपका अनुभूति रहा, आप क्या सोचे इसके बारे में, जाइए एक बार। ठीक है, जो व्यक्ति मेरे पास आता है मैं हर बार आप लोगों को बोलता हूँ, अगर वीडियो के संबंधित कोई भी प्रश्न आप लोगों के मन में है सीधा मैसेंजर पर संपर्क करें,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो के ठीक नीचे रहेगा। ये हो गया प्रयोग। अगर आप लोगों को तांत्रिक प्रयोग करना है, कोई भी तांत्रिक प्रयोग करना है, मृत्युंजय अनुष्ठान, बगलामुखी अनुष्ठान, महामृत्युंजय का अनुष्ठान, कोई भी ग्रह पूजा, हर प्रकार का ग्रह पूजा, ठीक है, सिर्फ मारण विद्वेषण ये सभी कर्म उच्चारण, ये सभी कर्म न मैं करता हूं, न मेरा कोई चेला लोग करता है, ठीक है। स्तंभन से स्तंभन तक प्रयोग हम लोग करते हैं, ऐसा कोई प्रयोग हम लोग नहीं करते जिससे दूसरे किसी इंसान का क्षति पहुंचे। वो पैसा मैं आप लोग से पैसा लूंगा, वो पैसा मैं हजम नहीं कर पाऊंगा। जो लोग लेता है उसका जो स्टोमक का जो पावर है बहुत ज्यादा पावर है, मेरा स्टोमक का पावर बहुत कम है, जो एसिडिटी हो जाएगा इससे, आप समझ सकते हैं बात को, ठीक है। चलिए ये पॉइंट गया, एक पॉइंट गया, ठीक है। मेरा दूसरा पॉइंट है जो परी को बुलाने का एक जो पद्धति अभी मार्केट में जो चलता है, ठीक है, तो परी बुलाने का मंत्र, एक दिन में परी आ जाएगा, ठीक है। एक दिन में कैसे परी आ जाएगा? परी को बुलाने के लिए अजीब गरीब तरीका इस्तेमाल कर रहा है और बोला जाता है जी एक दिन में परी आ जाएगा, एक दिन में योगिनी सिद्ध हो जाएगा, घर बैठे योगिनी सिद्ध हो जाता है। योगिनी सिद्ध करने के लिए, कोई कोई ऐसा भी बोलता है योगिनी सिद्ध करने के लिए बिल्कुल शाकाहारी भोजन करना है। योगिनी में कोई विराचारी पंथा नहीं है, तो सब क्या मैंने सबके बारे में बोलूं, इस शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, तो छोड़िए। तो देखिए थोड़ा आप थोड़ा इसके विषय में पढ़ाई कीजिए, योगिनी कैसे सिद्ध होता है। अभी परी सिद्ध करने के बाद मैं बोल रहा हूँ, कुछ दिन के बाद जैसे आप लोग देखते आपके शहरों में या गाँव में ठेले वाला जैसे जाता है ना, आलू ले लो, पटल ले लो, मूली ले लो, कांडा ले लो, ये जो जो भी सामान सब्जी बेचने के लिए जाता है, ठीक है, कुछ दिन के बाद आपके उसी इलाके में गाड़ी फेरी जो गाड़ी वाला जाता है वो भी बोलते हुए जाएगा, परी ले लो, योगिनी ले लो, बीड ले लो, देरफुटिया ले लो, पिशाच ले लो, शाकिनी ले लो, डाकिनी ले लो, मैंने हर प्रकार का आइटम आपको मिलेगा, बिल्कुल रिजनेबल एक प्राइस में मिलेगा। और कभी कभी ऐसा भी आएगा एक समय जो आपको भारी डिस्काउंट में मिलेगा, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन पर भारी डिस्काउंट चलता है, सीजन साल में एक बार दो बार डिस्काउंट चलता है, वैसे यहाँ पे भी आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा ये सभी प्रोडक्ट में, और आपके घर के नजदीक आ जाएगा। सोचिए ये सब बात को मैं देख रहा हूँ। लोग मुझे बोलते हैं गुरु जी परिसिद्ध करके दीजिए, शक्ति ट्रांसफर कीजिए, शक्ति का ट्रांसफर। शक्ति ट्रांसफर कैसे होता है मैं तो जीवन में पहली बार सुना, मैं तो शास्त्र में ही पढ़ा हो, अपने गुरु से भी सुना हो। गुरु अपने चेले में शक्ति को ट्रांसफर करता है, अपना जो उड़िया शक्ति है वो अपने चेले में ट्रांसफर करता है। लेकिन अभी ऑनलाइन के जमाने में इतना फास्ट हो गया है, ठीक है, तो शक्ति ट्रांसफर होता है वो शक्ति। और एक पॉइंट मेरा याद आ गया, कुछ दिन पहले एक मेरा व्यूअर्स ने मुझे बोल रहा था, कोई बाबा ने माता जी का माने माता जी ने उनको बोला है, ठीक है, मैं भक्त से पूछा है तुमको माता जी, वो बाबा ने माता जी को कैसे बोला है, माता जी को ईमेल किया है, माता जी ने उनको ईमेल किया है, टेलीग्राम किया है, व्हाट्सएप मैसेज क्या, कौन से जरिए माता जी ने बोला है? वो माता का ध्यान लगाया और माता ने उसको बोल दिया बेटा तेरा ये काम नहीं होगा या ये पेन का संबंध तेरा नहीं टिकेगा। मैं उसको बोला माता ने कैसे बोला, और भी बोला, और भी कुछ जानने के लिए माता से फिर से वो पूछेगा, तो माता उसको कैसे कनेक्ट करता है, कैसे बोलता है, ये मैं एक कनेक्शन के बारे में एक बार पूछा जी माता ने कैसे बोला। तो ये सब बात है, माने ज्योतिष ये लोग नहीं जानता है, बात को विषय का समझे, ज्योतिष ये लोग नहीं जानता है, गणना ये लोग नहीं कर पाएगा, जो कैलकुलेशन है कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। इसलिए थर्ड आई का जो एक कहानी है पूरा बना कर रख दिया है, थर्ड आई, आग बंद करो थर्ड आई। तो ये थर्ड आई का कहानी आप लोग बहुत समय देख चुके हैं, और इसका ये लोग ये बाबा लोग कैसे घुमाते ये भी जानते हैं, इसलिए ये सब चक्कर में आप लोग मत पड़े। तो ये जो परिसिद्धि, ये सिद्धि का जो मैं कहानी आपको बोल रहा था बीच में, इस पॉइंट में आ गया मैं, तो ये जो सिद्धियां है ये सिद्धियां खुद को जगाना पड़ता है, सिद्धियां खुद को उपलब्धि करना पड़ता है। सिद्धि के बारे में मैं पहले भी एक वीडियो में आपको बोला था, सिद्धि कितना प्रकार का है ये पहले जानिए, नौ अष्ट सिद्धि नव सिद्धि छोड़िए, वो तो सबको पता है, हनुमान चालीसा में बहुत बार उल्लेख अष्ट सिद्धि नव सिद्धि, उसको छोड़िए। उसके बाद सिद्धि कय प्रकार और की यानी कि बांग्ला में बोलते हैं कितना सिद्धि कय प्रकार, कितना प्रकार और क्या क्या है सिद्धि ये बोलिए, ठीक है। सिद्धि अष्ट सिद्धि नव सिद्धि को छोड़कर बार बार ये मेंशन कर रहा हूं, अष्ट सिद्धि नव सिद्धि को नहीं, कितना प्रकार और सिद्धि क्या क्या है, जिन लोगों को पता है कमेंट जरूर करें सिद्धि के बारे में, ठीक है। तो ये सारी सिद्धियों के पीछे मत भागिए। कुछ दिन पहले ही मेरे एक व्यूअर्स ने मुझे फोन किया था, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा और प्लेस भी नहीं बता रहा हूं, तो फोन किया था 4 से 5 लाख रुपया एक बाबा ने खा लिया। अभी वो बाबा फोन बंद कर वो फोन सिम को क्या करता, तोड़ के फेंक देगा, किसी से 4-5 लाख रुपया परी को परी ट्रांसफर करेगा।
माने 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 सब जब सुनता हूँ ना मैं तो आश्चर्य हो जाता। मैं सोचता हूँ जी आज के समय में भी इंसान ये सब चीज को भरोसा और विश्वास करता है। बोलते पोड़ी ट्रांसफर करने के लिए पैसा लिया है। सोचिए आप लोग, पोड़ी ट्रांसफर होता है, बोलते योगिनी वही बोला है, शाकिनी डाकिनी कोई भी शक्ति, ठीक है, ये ट्रांसफर होता है। शक्ति मैं किसी को दूंगा ये संभव है। गुरु अपने शिष्य को आशीर्वाद देता है, आशीष देता है, और अपना सिद्धिया गुरु अपने शिष्य को देता है। शक्ति कैसे कोई दूसरे, मैं एक तांत्रिक को मैं परी को सेल करूंगा? परी क्या मेरा पालतू कुत्ते बिल्ली जैसा है क्या? पालतू घर में रखा हुआ है? अरे ये परी नील परी, ये लाल परी, ये पीला परी, अरे तुम एक परी नील परी को तुमको देता हूं, चलो 4 लाख रुपया में। लाल परी तुम लोग 6 लाख रुपया, लाल है उसमें 6 लाख रुपया लगेगा, पीला है उसमें और भी ज्यादा सुंदर है तो उसमें 12 लाख रुपया। क्या मैजिक है ये? कैसे आप लोग इसको सोचिए एक बार, ये भी चलता है परी सिद्धि के बारे में? ये सब पूरा ढकोसला है, ये सब वीडियो ही ऐसे ही बनाया जाता है। इसका कारण आप लोग इसके ऊपर ज्यादा माने विभ्रांत हो जाए, आपका आपका ब्रेन जो है पूरा काम करना बंद कर दे। बोला जाता है परी आपके पास एक बार आ जाएगा तो आपको माला माल कर देगा, परी आपके दिन ब दिन आपको धन दौलत शौहरत सब कुछ प्रदान करेगा। इसका मतलब ही यही है कि आप अपना पूरा घर बार बेच दे परी के पीछे, और जिसके परी के पीछे घर बार बेच कर जिस व्यक्ति को पैसे देंगे वो व्यक्ति 2 दिन के बाद गायब, पूरा रफू चक्कर, वो व्यक्ति 2 दिन के बाद गायब, वो बाबा ही नहीं रहेगा 2 दिन के बाद। देखेंगे वो बाबा का पूरा वेशभूषा चेंज हो गया, बाबा जींस पैंट पहन के घूम रहा है 2 दिन के बाद। देखिएगा मैं ऐसे बाबा को बहुत बार देख चुका हूँ, जो बाबा माने नॉर्मल समय में बाबा बना रहता है, उसके बाद बाबा जींस पैंट पहनकर समुन्द्र में नहाता है, ठीक है, ऐसा भी मैं बहुत बार देख चुका। आप लोग भी देखेंगे धीरे धीरे धीरे, मेरा जो बात मैं जो आपको टॉपिक चर्चा करती हूँ आप लोग के नॉलेज के लिए, धीरे धीरे इस टॉपिक के ऊपर आप लोग मेरा बात को ध्यान से सुनिए और चिंतन कीजिए इस विषय के। आगे आप लोग को इस टॉपिक के ऊपर इस पॉइंट को देखने के लिए जरूर मिलेगा, जरूर आपको ये पॉइंट को देखने के लिए मिलेगा। तो मेरा वीडियो आप लोगों को अगर पसंद है तो लाइक कीजिए। मैं ये जो आप लोग मैं शेयर कर रहा हूँ ये एक लोगों का बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत सारे लोग जो मुझे फोन करते हैं, जो मेल करते हैं, जो मैसेज करते हैं, ये सारे लोगों का परेशानी में आप लोगों को सुन रखा है। आप लोग जागरूक हो, आप लोग समझिए इस विषय को, भूसी कौन को समझे, ठीक है, उसके बाद आप लोग जाकर कोई प्रॉब्लम। मैं कभी किसी को ये नहीं बताता हूँ कि मेरे द्वारा ही काम काम सिद्ध होगा, काम तुम्हारे द्वारा भी सिद्ध हो सकता है। मेरे द्वारा अगर सिद्ध होता है तुम्हारे द्वारा भी सिद्ध हो सकता है। अगर तुम किसी से काम करवाओगे तो जरूर उसको दक्षिणा देना पड़ेगा, बिना दक्षिणा के पृथ्वी में कुछ भी नहीं होता है। मैं भी कोई काम कराता हूँ तब मैं भी दक्षिणा देता हूँ, मैं बार बार आप लोगों को बोला, मेरा भी कोई अनुष्ठान रहता है मुझे भी दक्षिणा देना पड़ता है, दान दक्षिणा से डरते क्यों? और कोई भी अनुष्ठान करने से पहले गुरु का अनुमति जरूर लेना चाहिए, उसलिए गुरुकरण बहुत लोग मैं देखता हूँ गुरुकरण करने से डरता है, दीक्षा लेने से डरता है। डरने का क्या बात है, जो गुरु होगा वो शिष्य से कभी मांगेगा नहीं, शिष्य भक्ति से गुरु को क्या देता है इस शिष्य का अपना विचार है। ये गया मेरा 2 टॉपिक। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट जी से मैं ये एक चीज देख रहा हूं, मेरे जो शिष्य है वो मुझे आकर दिखाते हैं मेरे, मैं वीडियो के माध्यम से और एक चीज बोलना चाहता हूँ, मैसेंजर और व्हाट्सएप वो ज्यादातर मेरे चेले लोग के पास ही रहता है, वही लोग देखते हैं, ठीक है। तो कुछ दिन से मैं ये देख रहा हूँ वो लोग भी आज मुझे आकर मुझे दिखा था, कोई व्यक्ति, बहुत सारे लोग ऐसा, ये बहुत सारा चल रहा है। इसका कारण मेल फीमेल उभय माने दोनों ही पक्ष ये ऐसा करता है, बातचीत लिखता है, बातचीत करता है, कॉन्वर्सेशन जो होता है वो होता है, होने के बाद वो मैसेज जो है डिलीट हो जाता है। मेरे इधर से बोला हुआ जो मैसेज वो रहता है, उधर से हर सारा मैसेज डिलीट हो, इसका कारण पुरुष महिला उभय माने दोनों ही ऐसा करते, इसका कारण मुझे पता नहीं है। माने मैसेज में ऐसा माने किससे छुपाने के लिए मैसेज ऐसा करता है, या मैसेज में वो लोग क्या लिखता है, साधारण सा बातें हैं उसके बाद भी मैसेज को डिलीट करते हैं। मैं ये भी एक मैं जो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो ऐसा करने का जरूरत नहीं है। फ्रेंड रिक्वेस्ट वही व्यक्ति भेजे जिनका प्रोफाइल जेन्युइन है, फूल पत्ते पेड़ पौधे नदी नाला ये सब कहानी वाले लोग फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेजे। प्रोफाइल लॉक अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं तो फ्रेंड रिक्वेस्ट को मैं नहीं लूंगा, सीधा मैं बोल रहा हूँ, कहे मेरे प्रोफाइल में ऐसा कुछ नहीं है जो हीरा चांदी मोती सोना ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रोफाइल को मैं लॉक करके रखूँ, मेरा प्रोफाइल ओपन है। जो लोग मेरे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे मैं आशा करता हूँ उन लोग का भी प्रोफाइल ओपन होना चाहिए, मुझे देखना पड़ेगा ना भीतर में क्या है, ऊपर में सुंदर है भीतर में कोई कोई जगह में बहुत भयंकर चीज भी रहता है, इसलिए मेरे पास आने का कोई जरूरत नहीं है, और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने का भी कोई जरूरत नहीं है, मैसेज रिक्वेस्ट भेजने से भी काम हो सकता है, कोई असुविधा नहीं। और एक बात, मैसेज रिक्वेस्ट भेजने के बाद तुरंत ये आशा मत करें जो मैसेज का तुरंत मैं आंसर दूं, ठीक है, क्या बहुत सारा दिन भर में बहुत सारे मेल मैसेज फोन कॉल रिसीव करना पड़ता है, ठीक है। मेरे शिष्य लोग पागल हो जाता है, इसीलिए पहले उन लोग के पास फोन था,
लोग का भी काम रहता है। अभी वो लोग बोला, गुरु जी मेरे से नहीं होगा, आप ये फोन रखिए। तो वो लोग परेशान होकर फोन मुझे कहा, ऐसे अजीबोगरीब पब्लिक, मैं भी तो देख रहा हूँ ऐसे पब्लिक, अभी फोन मेरे पास है, आप लोग को अगर फोन में बात करना है तो सीधा मेरे साथ बात हो जाएगा, किसी को फोन मैंने और दूसरे के पास नहीं जाएगा, मेरे पास रहेगा फोन। अगर कभी भी बंद आए तो सोचिएगा मैं कोई काम में हूँ, उसलिए फोन बंद आया है। सुबह फोन बंद आया तो शाम को जरूर खुलेगा, शाम को बंद है तो नेक्स्ट दिन जरूर खुलेगा। ये ऐसा नहीं है फोन बंद कर आउट हो गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैं भागने वाला पब्लिक में हूं नहीं, इसलिए मैं वो 101% गारंटी भी नहीं देता। कहीं भगवान हूं नहीं, अगर भगवान होता तो 101% गारंटी देता। और मिथ्यावादी अगर होता, मैं झूठ बोलने वाला पब्लिक अगर होता तो 101% गारंटी देता। इसमें से दो मैं इसमें दोनों में से मैं कोई भी नहीं हूं, ना मैं भगवान हूं ना मैं मिथ्यावादी हूं। इसलिए मैं एक साधारण सा इंसान हूं, मैं साधारण पूजा पाठ करता हूं, मैं एक तांत्रिक प्रयोग करता हूं। मेरे से कोई अगर किसी को काम करने का इच्छा है तो मैं उस व्यक्ति के लिए मनोकामना पूर्ण करने के लिए 101% अपने तरफ से कोशिश कर सकता हूँ, ये मैं बोल सकता हूँ 101% अपने तरफ से कोशिश। लेकिन कोई भी काम के लिए 101% गारंटी नहीं दूंगा। आप लोग अगर सोना खरीदते हैं, ठीक है, जाइए कोई साइड में सोना खरीदते हैं 24 कैरेटा, उसमें भी आपको लिखा रहेगा 999.9, 100 नहीं लिखा रहेगा। 10 ग्राम का सोना लीजिए, सोने का बिस्किट लीजिए, देखिए 999.9 शुद्धता की गारंटी, उसमें भी 1% नहीं है। दे रहे 24 कैरेट का प्राइस, लेकिन उसमें भी आपको मिल रहा है 999.9, 1% उसमें भी नहीं है। तो क्या है, भगवान कोई नहीं है, इसे भगवान के चक्कर में मत पड़े। भगवान के चक्कर में पड़ते हुए बाबा लोग को आप लोग पहले भी देख चुके हैं, बाबा लोग का क्या हश्र हुआ है। इसलिए खुद के ऊपर विश्वास कीजिए, पैसा किसी के ऊपर डालने का जरूरत नहीं है। अगर आत्मविश्वास आपके मन में है तो खुद प्रयोग कीजिए, दूसरे किसी को पैसा डालने का देने का भी कोई जरूरत नहीं है। आत्मविश्वास के साथ गुरु का नाम लेकर, भगवान से नाम लेकर, सत्य के पथ में रहकर प्रयोग को आजमाइए। ना किसी के घर के पत्नी को भगाइए, ना किसी जिससे आप प्रेम करते हैं, वो व्यक्ति सामने वाला आपसे अगर प्रेम नहीं करता, ना उसके ऊपर कोई प्रयोग को अप्लाई कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। मैं आपसे फिर मिलते हैं नए प्रयोग में। हरिओम तत्सत।